हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। देखिएगा, अपन मॉडल पेपर पढ़ रहे थे और एक मॉडल पेपर अपन ने कंप्लीट कर लिया तीन क्लासों में। वो कैसा लगा और आपने अच्छे से देखा होगा, आई होप आपके वो अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज अपन दो नंबर मॉडल पेपर लेके आए हैं, पहली क्लास रहेगी इसकी। और ये मॉडल पेपर देखिएगा, शानदार मॉडल पेपर है। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन पेपर जो भी क्लास है वो पढ़ाया था उसमें, और जब फॉर्मूले की बात आती है तो इस मॉडल पेपर से आपको पता चल जाएगा। जो कि पहला मॉडल पेपर अपन ने कंप्लीट किया है उसमें मेरे पास में ऑप्शन टाइप जो 30 नंबर का काम था वो नहीं आया था, यानी वो 70 नंबर का काम मैंने आपको सेकेंड नंबर जो पहला मॉडल पेपर अपन ने कंप्लीट किया है 19-20 का उसमें करवाया है। और इसमें क्या है, ये 30 नंबर का काम भी साथ में है और साथ में 70 नंबर का काम भी साथ में रहेगा। अब देखो 30 नंबर का काम किस प्रकार से आता है, पहले स्टार्टअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, साइन x अपॉन में x। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। एक तो टेन का होता है और एक इसका होता है, या तो इसको डायरेक्ट लिखो, अगर कोई बात नहीं आप भूल जाते हैं तो डी हॉस्पिटल रूल लगता है इसमें। इसमें क्या लगेगा, डी हॉस्पिटल रूल लगेगा, वो भी करके बताऊंगा मैं आपको। देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, आपने इसका ऊपर वाले का अवकलन कर दिया डी अपॉन में डी एक्स, डायरेक्ट जीरो रखते हैं, डायरेक्ट जीरो रखते हो तो क्या बनता है, इनफाइनाइट बन जाता है। साइन जीरो का मान जीरो, नीचे जीरो, जीरो अपॉन में जीरो। अब भैया इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है जीरो बटा जीरो, तो ये बन जाता है अनंत। क्या बन जाता है, अनंत। तो यहाँ पे हमारे पास में डी हॉस्पिटल रूल काम करेगा। तो इसका कर दीजिएगा साइन एक्स अपॉन में डी एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष आपको डेरिवेटिव करना है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन एक्स का क्या है कॉस एक्स, और एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या है एक। अब आप जानते हैं, अब लिमिट पुट कर दीजिएगा तो हमारे पास में आएगा कॉस जीरो डिग्री, और कॉस जीरो डिग्री है ना, एक्स का मान जीरो रख दीजिएगा, कॉस जीरो डिग्री का मान कितना होता है एक होता है। और वैसे ही इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखो एक तो ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और अगर हमारे पास में ये कंडीशन आए ना टेन एक्स, तो इसका मान भी हमारे पास में क्या होता है एक होता है, इसका मान भी हमारे पास में एक होता है। कई बार ऊपर एक्स आता है तो नीचे साइन एक्स आ जाता है, तो इसका मान भी हमेशा क्या होता है एक होता है। अब देखो रूट एक्स का है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक बटा दो रूट एक्स। अब ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। डी अपॉन में डी एक्स, ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए, ए की पावर एक्स लॉग ई ए, एक नंबर का क्वेश्चन है। देखो x की पावर m dx, x की पावर m dx इसका क्या होता है x की पावर, अरे m बदल दिया, m लिखा है इसने n को, तो m प्लस में एक बटा m प्लस में एक, और समाकलन नियतांक क्या लग जाएगा c, तो x की पावर m प्लस में एक अपॉन में m प्लस एक प्लस में c। एक बटा x का, एक बटा एक्स का अवकलन नहीं समाकलन क्या होगा लॉग एक्स होगा, क्या होगा लॉग एक्स प्लस में सी, समाकलन नियतांक क्या लग जाएगा इसमें सी। ये डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूले ही पूछे गए हैं डायरेक्ट सभी के सभी। ये भी एक तरीके से फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है। तो यहां तक इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 6 नंबर क्वेश्चन कि cos cos x स्क्वायर x dx, cos x स्क्वायर x dx है। अब आपको यहां पे क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो आप जानते हैं कि cot x का अवकलन क्या होता है, माइनस का cos x स्क्वायर x होता है, माइनस का cos x स्क्वायर x होता है अवकलन। तो इस प्रकार से ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, इसका मान आता है माइनस के cot x प्लस में समाकलन नियतांक सी। इज दैट क्लियर, फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमें एक डिटर्मिनेंट सारणिक दिया गया है, इसका मान हमें निकालना है। तो देखो इसका मुख्य विकर्ण का गुणा
ए गुणा डी माइनस में बी गुणा सी, बी गुणा सी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में ए डी माइनस में बी सी। ये एक डिटर्मिनेट दिया गया है, इसका ट्रांसपोज हमें पूछा है कि ये कोई डिटर्मिनेट है, इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, इसके जो भी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेट में मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो इसका वैल्यू चेंज कर दीजिएगा, इसको आप मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, ए मैट्रिक्स है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेके आओगे तो ये बन जाएगा ए बी सी और ये बनेगा डी ई एफ, ये क्या बन जाएगा डी ई एफ बन जाएगा। बस ये लेके आना। ट्रांसपोज में क्या करना होता है, जो आपको पंक्तियां दी गई है उसको तो कॉलम में बना दो, और जो आपको कॉलम दिए गए हैं उसको आप पंक्ति में बना दो, चेंज कर दो, तो आपके पास में इसका ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा, उसका परिवर्त प्राप्त हो जाएगा। दो कोई डिटर्मिनेट दिया गया है, इन दोनों को जोड़ना है, दो कोई डिटर्मिनेट दिया गया है, इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट ये ना हमें डिटर्मिनेट दे रखे हैं इसने, कोई इश्यू नहीं। तो यहां से हमें क्या करना है, जोड़ेंगे पहले, पहले या इसका रिजल्ट निकाल लो। इसका रिजल्ट क्या आएगा, डिटर्मिनेट ए का रिजल्ट निकाल के जोड़ सकते हैं, क्योंकि सारणी का, सारणी का मान निकाल सकते हैं, ए डी माइनस में बी सी, और बी का मान कितना है, बी सी माइनस में, बी सी माइनस में ए डी, इसको जोड़ो तो ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या आएगा, बी ए डी माइनस में बी सी, और बी का मान कितना है, प्लस में बी सी माइनस में ए डी, ए डी से ए डी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, रिजल्ट कितना आएगा, जीरो। रिजल्ट कितना आएगा, जीरो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। भी आप जानते हैं कि ये हमारे पास में डिटर्मिनेंट है, सारणिक है ए, और ये सारणिक हमारे पास में क्या है, बी है, दोनों को जोड़ना है। इसका रिजल्ट निकाल लिया, इसका रिजल्ट निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, माइनस प्लस है कट के जीरो आ गई। फंक्शन का क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री, तो हमें तीन कर, अरे देखो कितने क्वेश्चन है, ये तो पांचवी क्लास वाले बच्चे कर देंगे, एफ ऑफ थ्री करना है, एफ ऑफ थ्री करना है, तो यहाँ पे तीन का होल क्यूब, और तीन का होल क्यूब क्या होता है, तीन का बताओ, तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, कितना मान आ जाएगा, सत्ताईस हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस में तीन, तब एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू बराबर क्या होगा, आपको ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन में एक, बी नंबर ऑप्शन में माइनस एक, सी नंबर ऑप्शन में तीन, डी नंबर ऑप्शन में आपके दिया गया माइनस के चार। बताइएगा ये जो यहाँ पे इस प्रकार का जो साइन दिखाई दे रहा है ना, वो एक क्या है, सारणिक नहीं है, इसको अपन बोलेंगे मापांक, इसको अपन बोलेंगे मॉड मापांक, और इसके अंदर कोई वैल्यू माइनस की होती है वो बाहर आती है, तो हमेशा ही प्लस के रूप में आएगी। तो अपन यहां पे रखेंगे एफ ऑफ टू इज इक्वल टू मॉड टू माइनस में थ्री, टू माइनस में थ्री, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में दो माइनस में तीन, तो माइनस का एक बाहर आएगा तो प्लस के रूप में आएगा, बाहर आएगा तो प्लस के रूप में आएगा, और ऑप्शन नंबर आपके पास में क्या हो जाएगा, ए आपके पास में इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन कि लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, एक्स टेंस टू थ्री है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट थ्री रखोगे, डायरेक्ट थ्री रखोगे तो तीन का स्क्वेयर, नौ माइनस में नौ जीरो, तीन माइनस में तीन जीरो, जीरो बटा जीरो क्या बन गया, जीरो बटा जीरो बन गया। इसका मीन्स क्या हो गया, जीरो बटा जीरो है तो ये इन्फाइनाइट हो गया, तो हमें डायरेक्ट तो नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अब देखो इसको लिख सकते हैं अपन, नीचे लिख रहा हूं मैं, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, ऊपर डेरिवेटिव करना है, इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष
डेरिवेटिव करना है तो डी अपॉन में डी एक्स एक्स की स्क्वेयर माइनस में नो एक्स की स्क्वेयर माइनस में नो अपॉन में डी अपॉन में डी एक्स एक्स माइनस में तीन। तो ये बनेगा हमारे पास में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो नहीं एक्स टेंस टू थ्री, ये बन जाएगा टू एक्स, एक्स की स्क्वेयर का बनेगा टू एक्स, नो का बनेगा जीरो, अपॉन में ये बन जाएगा एक्स का हो जाएगा एक। अब रखो तो दो गुणा तीन, आपने रखा एक्स का मान रख दिया तीन, यहां पे रखो तो दो गुणा तीन बराबर दो तिया छह, दो तिया छह ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सिमिलरली 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स का मान कितना है ए, और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स का मान कितना है बी। हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मान कितना है ए, ऊपर तो ए दिया गया है, अपॉन में जी ऑफ एक्स बी, ए अपॉन में बी कौन सा ऑप्शन है, ए अपॉन में बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखते ही पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन है इसमें, देखो एक एक नंबर के हैं। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ए की पावर एक्स का प्रसार क्या होता है, ए की पावर एक्स का प्रसार होगा एक प्लस यहां पे लिखोगे एक्स, ए की पावर एक्स का हमारे पास में प्रसार हो जाएगा एक प्लस एक्स प्लस एक्स की स्क्वेयर, इसके नीचे एक फैक्टोरियल लगा सकते हैं, एक्स की स्क्वेयर अपॉन में टू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी फैक्टोरियल को दर्शा सकते हैं, दोनों ही जो भी आपकी मर्जी, प्लस में एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री फैक्टोरियल प्लस डैश डैश इस प्रकार से, ये एक्स है ना इसके नीचे एक फैक्टोरियल लगा सकते हैं, लेकिन एक फैक्टोरियल का मान कितना होता है हमेशा ही एक होता है, कितना होता है एक होता है। तो ए की पावर एक्स का प्रसार क्या हो जाएगा एक प्लस एक्स की स्क्वेयर बटे दो फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर थ्री अपॉन में एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर चार अपॉन में चार फैक्टोरियल एक्स की पावर पांच अपॉन में पांच फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में आता डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस एक, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो एक्स की स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वेयर का क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, प्लस में एक्स का हो जाएगा एक प्लस में एक का हो जाएगा जीरो, तो ये आएगा टू एक्स प्लस में एक, कौन सा ऑप्शन है टू एक्स प्लस में ए, ऑप्शन नंबर ए, टू एक्स प्लस में एक बराबर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए बराबर एक्स बराबर ए टी की स्क्वेयर है तो डी एक्स का डी टी के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है, हमें दिया गया है एक्स बराबर ए टी का स्क्वेयर, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू टू टी की स्क्वेयर का हो जाएगा ए, ए तो यहां पे दिया गया है, ए तो यहां पे दिया गया है, टी की स्क्वेयर का हो जाएगा टू टी, क्या कितना हो जाएगा टू टी, तो टू ए टी क्या हो जाएगा टू ए टी, तो टू ए टी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके पास में राइट हो जाएगा। तो यहां तक लीजिएगा स्क्रीनशॉट, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, यू इंटू वी से आपको डेरिवेटिव करना है, यू इंटू वी से आपको क्या करना है डेरिवेटिव करना है। तो अब देखिएगा यहां पे यू कौन है एक्स और वी कौन है साइन, u कौन है x, v कौन है साइन, तो u इंटू वी से डेरिवेटिव करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है u को सेम v का डेरिवेटिव, v को सेम u का डेरिवेटिव, तो u को सेम d अपॉन में डी एक्स, ये दिया गया साइन x, प्लस में साइन x को सेम d अपॉन में डी एक्स, एक्स का x के सापेक्ष डेरिवेटिव, x साइन x का हो जाएगा cos x, प्लस में साइन का साइन एक्स का हो जाएगा एक, तो ये आएगा हमारे पास में एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, ये हमारे पास में इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा।
U into V से करना है। क्या करना है? U into V का फॉर्मूला याद होना चाहिए। वक्र के बिंदु x, x1 और ये हमारे पास में है y1, x1 और y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब देखो स्पर्श रेखा का समीकरण हमें बताना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर कोई वक्र है इस प्रकार से, अगर कोई वक्र आपको दिया गया है, इस वक्र पे कोई बिंदु P है और इस पे इस प्रकार से कोई टेंजेंट किसी एक बिंदु पे टच कर रही है, तो इसका समीकरण क्या होगा? y माइनस में y1 इज इक्वल टू m, ये होता है x माइनस में x1। m क्या है? ढाल है, परवणता है। इस प्रकार से x x के साथ जितना स्लोप होगा वही क्या होगा? m होगा। इसको अपन एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, कैसे? y माइनस में y1। कई बार ऑप्शन में m नहीं आता, ऑप्शन में कई बार m नहीं आता, m की जगह कुछ और आ जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? dy अपन में dx, x के सापेक्ष डेरिवेटिव ही क्या कहलाता है? इसकी परवणता कहलाती है, जिसको अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी x1 और ये है y1, x1 और y1 बिंदु पे है, इसकी परवणता x1 और y1 बिंदु पे है, x माइनस में x1, x माइनस में x1। तो एक आपके पास में इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ये हो सकता है। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन, हमें क्या करना है? समाकलन करना है, अलग अलग दोनों का अलग अलग समाकलन कर देते हैं। इजिकल टू ये लिख सकते हैं, समाकलन कॉस एक्स डी एक्स प्लस में समाकलन साइन एक्स और डी एक्स। कॉस एक्स का अवकलन समाकलन क्या होता है? साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स, और प्लस में सी समाकलन नियतांक लगाते हैं, सी समाकलन नियतांक लगाते हैं साइन एक्स कोस का, तो प्लस का आएगा, लेकिन साइन का समाकलन माइनस के होते हैं, तो माइनस के कोस एक्स प्लस में सी। अब इसके बाद में हमारे पास में है ए डॉट बी। ए कोई मैट्रिक्स दिया गया, बी मैट्रिक्स दिया गया, हमें ए क्रॉस बी करना है, दोनों मैट्रिक्सों का आपस में गुणा करना है, तो यहां से लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मान 4 3 2 1 और B का मान कितना है? 2 1 4 3 2 1 4 3 गुणा कर दीजिएगा, 4 2 8 4 2 8। अब इसका 3 का 4 के साथ में प्लस में 4 3 12 4 का 1 के साथ में 4 1 4 प्लस 3 3 9 2 2 4 प्लस 4 1 4 2 1 2 प्लस 3 1 3 तो ये आ जाएगा a गुणा b। क्या आएगा? a गुणा b, तो a गुणा b का मान आ जाएगा 12 और 8 20 9 और 4 13 4 4 8 2 और 3 5 2 और 3 5 तो ये हमारे पास में इस प्रकार से ये 20 नंबर का काम आ जाता है। तो यहाँ तक नोट कीजिएगा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं ट्रू फॉल्स पे, तो आपको ट्रू फॉल्स वाले किस प्रकार से करने हैं लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपके पास में आ जाता है ट्रू और फॉल्स, यानी सत्य और असत्य आपको बताना है। इसमें से आपको आंसर दिया गया, जो भी आपको लगे कि ये अवकलन है, जो समाकलन है, जो भी कर रखा है लिमिट लगा के, जो आंसर निकाल रखा है, वो क्वेश्चन वाले ने पेपर जिसने बनाया है उसने ट्रू बनाया है या फॉल्स बनाया है, वो आपको बताना है। अब देखो इसका अवकलन, ये अवकलन सॉरी ये फंक्शन का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे -3 रखते हैं तो 0 आता है इसका रिजल्ट। ये चेक करना है कि ये बात सही है गलत है, तो क्या करेंगे? एफ अपन निकाल के देख लेंगे, कोई ऐसी नहीं है कि आप ऐसे अंदाजा लगाएं। आपको क्या करना है? क्वेश्चन को निकाल के देख लेना है। तो x की जगह आपको आपने रख दिया -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस में 6, -3 का स्क्वायर 9 प्लस और माइनस -3 -6 -6 -3 -9 और +9 रिजल्ट कट के कितना आएगा? 0। जो कि इसने दिया है वो क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो अपन क्या लगाएंगे? टी लगाएंगे।
ट्रू है तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे टी लगा देंगे। अब इसके बाद में देखिएगा डी अपॉन में डीएक्स, इसका डेरिवेटिव ये दे रखा है, चलो अपन निकाल के देखते हैं। डी अपॉन में डीएक्स ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स प्लस में ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, लेकिन अपन दोबारा करेंगे माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस का एक लग जाएगा, क्या लग जाएगा माइनस का एक लगेगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो ये ऑप्शन में है क्या, ये तो नहीं है ऑप्शन में। देखो इसने प्लस का दे रखा है, ये माइनस का दे रखा है, चेंज कर रखा है इसने, ये क्या कर दिया चेंज कर दिया, जो कि ये नहीं आएगा, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा एफ आ जाएगा, ये एफ है, फाल्स है ये बात असत्य है। रूट एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हैं डी अपॉन में डी एक्स रूट एक्स प्लस में रूट ए, रूट एक्स का हो जाएगा एक बटा दो रूट एक्स प्लस में रूट ए, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का क्या रहेगा जीरो, तो हमारे पास में एक बटा दो रूट एक्स, एक बटा दो रूट एक्स और एक बटा दो रूट एक्स, और इसने तो ये बात पूरी ये दे रखी है, यानी इसने तो इस कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव कर रखा है, इसका मीन्स ये बात क्या है फॉल्स है, इसलिए बात क्या है असत्य है, ये बात नहीं होगी, जो अपन ने निकाला है वो बात सत्य है। अब देखो इसका 24 नंबर का अवकलन करना है, और करना क्या है यू अपॉन में वी के फॉर्मूले से करना है, यू अपॉन में वी के फॉर्मूले से करना है, तो देखिएगा अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं एक बार के लिए, अलग लिख लीजिएगा इसको x प्लस में एक और ये है x प्लस में एक और ये है x प्लस में दो। अब u ये है v ये है, v का स्क्वायर x प्लस में दो का होल स्क्वायर, v को सेम यानी x प्लस में दो, d अपॉन में dx x प्लस में एक का डेरिवेटिव माइनस में x प्लस में एक का डेरिवेटिव ये रहेगा d अपॉन में dx और x प्लस में दो का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा हमारे पास में x प्लस में दो, x का डेरिवेटिव होगा एक और एक का डेरिवेटिव जीरो, माइनस में x प्लस में एक x का डेरिवेटिव एक अपॉन में x प्लस में दो का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x प्लस में दो माइनस में x माइनस में एक अपॉन में x प्लस में दो का स्क्वायर, ये माइनस का x ये प्लस का x कट जाएगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, एक बटा x प्लस में दो का होल स्क्वायर, एक बटा x प्लस में दो का होल स्क्वायर, इसलिए बात क्या है ट्रू है, इसलिए यह बात सत्य हो जाएगी, असत्य नहीं है सत्य है। u अपॉन में v के फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं v का स्क्वायर, v को सेम u का डेरिवेटिव माइनस में u को सेम और v का डेरिवेटिव, ये लिमिट वाला क्वेश्चन है। अब देखो x टेंस टू इनफाइनाइट है, x टेंस टू इनफाइनाइट है तो डायरेक्ट अपन इनफाइनाइट नहीं रख सकते, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका उत्तर तो दे रखा है 2/3 आएगा क्या, चलो चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, पूरी ऊपर वाली कंडीशन में मैंने x की स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां पे बन गया 2 + 2 + 3/3, अब 3 में से x की स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा तो क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो यहां पे अपन ने लगा दिया भाग, अपॉन में इसमें से x की स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आएगा 3 + 2/x² एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कटेगा, रिजल्ट आएगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और ये है 2 + 3/x² अपॉन में 3 + 2/x². अब देखो 1/x है और मैंने एक्स टेंस टू कर रखा है इनफाइनाइट, तो इसका मीन्स 1/∞, इसका मान कितना होता है 1/∞ का मान कितना होता है 0 होता है, तो अब लिमिट पुट कर दीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 + 3/∞ का स्क्वायर और ये 3 + 2/∞, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 +
जीरो अपॉन में तीन प्लस जीरो, तो ये आएगा दो बटा तीन। ये आंसर कितना आएगा? दो बटा तीन आएगा। और दो बटा तीन इसने दे रखा है इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इस बात पे थोड़ा ध्यान देना है कि आपके पास एक बटा इन्फानाइट, एक बटा इन्फानाइट हमारे पास में जीरो होता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू न रख के इन्फानाइट की, और अपन ने एक्स को कॉमन ले लिया, इसलिए एक बटा एक्स बनाना चाहते थे जीरो बनाने के लिए, और डायरेक्ट इन्फानाइट रखते हैं तो ये वैल्यू इन्फानाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है, तो इसका कोई सोल्यूशन आएगा नहीं। इसलिए जितना भी हो सके एक्स को अपॉन में बनाइएगा जहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फानाइट दिया गया है, तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। डेरिवेटिव है, अवकलन करना है e की पावर x डॉट साइन x, e की पावर x डॉट साइन x आपको करना है। तो आपको चेक करना है कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास में e की पावर x और cos x ही आता है क्या? तो u इंटू वी के मेथड से करेंगे, u इंटू वी, तो d अपॉन में डी एक्स e की पावर x cos x, e की पावर x को सेम d अपॉन में डी एक्स cos x का करेंगे, प्लस में cos x d अपॉन में डी एक्स e की पावर x, e की पावर x cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, प्लस में ये हो जाएगा cos x e की पावर x। ये वैल्यू आएगी, क्या ये वैल्यू बराबर है? नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। इसलिए यह फाल्स हो जाएगा, असत्य बात है, ठीक है। इसका रिजल्ट तो ये आता है, लेकिन इसका रिजल्ट इसने ये बता रखा है नहीं, ये नहीं होगा। अब देखो a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन क्या होगा? a की पावर x अपॉन में log e a और प्लस में c, ये बात एकदम राइट है, ये बात एकदम राइट है, इसलिए यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? t लिखेंगे, ट्रू। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि इसका समाकलन यही होता है। अब देखो इसका समाकलन, देखो एक कंडीशन बताता हूं कि एक बटा एक्स और डीएक्स, यानी जो नीचे फंक्शन है उसका अवकलन ऊपर वाला है। अब आप कहोगे कि डी अपॉन में डीएक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है? एक। एक्स का अवकलन क्या होता है? एक होता है। तो नीचे जो भी फंक्शन दिया गया उसका अवकलन ऊपर वाला होना चाहिए, तो इसका जो समाकलन होगा वो ये होगा log x प्लस में c, log x प्लस में c होता है। तो इसी प्रकार से ये नीचे वाला फंक्शन है, इसका ऊपर वाला अवकलन है, डैश दे रखा है, तो इसका मीन्स क्या है? अवकलन है। और इसका जो कंडीशन आएगा यहाँ पे dx, यहाँ पे क्या आएगा? dx, dx नहीं दिया गया, हाँ dx दे रखा है, ये मिस प्रिंट हो गया था लिखने में, यहाँ पे dx दे रखा है। dx बराबर इसने दे रखा है अब log f of x, log f of x, चलो ये मान लिया कि नीचे वाला log के साथ में आता है, इसमें भी नीचे वाला log के साथ में आया, लेकिन प्लस का क्या लगेगा? समाकलन नियतांक तो लगेगा ना, लिमिट नहीं है तो समाकलन नियतांक लगेगा, समाकलन नियतांक इसने नहीं लगा रखा, और इसमें क्या आता है? समाकलन नियतांक, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? इसको फॉल्स बोलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स बोलेंगे, क्योंकि इसका जो आएगा f डैश x और ये है f ऑफ x और dx का, ये बन जाएगा log log f ऑफ x प्लस में c, ये कंडीशन आ जाएगी। अब इसके बाद में देखिएगा डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, इस डिटर्मिनेंट का मान क्या आएगा? इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिएगा, ए डी माइनस, माइनस और माइनस, प्लस प्लस एक फॉर्मूले का माइनस, माइनस बी सी, यही बात आई है, यही सेम है इक्वल, इसलिए क्या हुआ? ट्रू हो जाएगा, ये इसलिए ट्रू हो जाएगा। अब ये ए कोई मैट्रिक्स है, ये कोई बी मैट्रिक्स है, दोनों का गुणा क्या ये आता है? चेक करते हैं, ए डॉट बी क्या बनेगा? पाँच का गुणा एक के साथ में, पाँच एकम पाँच, प्लस तीन दुनी छः, पाँच का मल्टीप्लाई जीरो, तीन तिया नौ, चार एकम चार, प्लस दो दुए चार, चार का मल्टीप्लाई जीरो के साथ में जीरो,
तीन दो तिया छः, दो तिया छः, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए डॉट बी इज इक्वल टू पाँच और छः ग्यारह, ये आ जाएगा नौ, चार चार आठ, ये आ जाएगा छः, तो ये हमारे पास में कंडीशन आएगी ग्यारह नौ आठ छः। लेकिन ये तो इसने ये दे रखी है इसलिए क्या हो जाएगा, ये फाल्स हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा फाल्स हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने इस क्लास में 30 नंबर का काम कर लिया है, यानी ए सेक्शन इसका जो आता है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में कल की क्लास में रहेगा सेकंड नंबर पार्ट। सेकंड नंबर पार्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी अपने ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने और मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट उपलब्ध कराऊँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलेगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद जय भारत।